दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी जोरों पर चल रही है। कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय ने शनिवार को दिल्ली के सहेदा, हलमाद, लदमू, लोसेर समेत कई गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया। रांची लोकसभा प्रत्याशी यशस्विनी सहाय ने अपने पक्ष में मतदान के प्रति लोगों से अपील की। साथ ही लोदमू आम बागान में कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया और एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार आप लोगों को गुमराह कर रही है। शिक्षा, महंगाई और रोजगार के बारे में कभी नहीं सोचा। हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए कभी कुछ भी नहीं किया। ये सरकार सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है। आदिवासी समाज के लिए, मूलवासियों के लिए हमेशा बहुत अच्छा रहा। हम लोग कहीं कि आरा गेट जो कहा जाता है, फिर उठाटी सिंधे, फिर मुजली पोखर, रुकते 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 अभी यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि हम लोगों को दो ढाई बजे यहाँ पहुँचना था। हम लोग 3 घंटा 4 घंटा लेट में हैं और बहुत स्नेह देखने को मिल रहा है। कोई ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइज किया हुआ, और ये एक इसको कहा जाए साइलेंट रिवोल्यूशन की ओर हम लोग हैं। 4 चरणों के चुनाव का जो परसेंटेज ऑफ वोट घटा है, वो उन लोगों का घटा है, क्योंकि ये लड़ाई देशभक्त और अंधभक्त से बातें कर रहे हैं। 400 पार किले पर ये लोकतंत्र है, जनता जनार्दन ही चुनती है अपना सरकार, तो जनता को चुनने दे, वो ना बताए कि 400 पार की 200 पार। दिल्ली में कैसा रहा आपका ये? बहुत अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ कर आई है, बहुत प्यार मिल रहा है। बिल्कुल विश्वास है कि इस बार हमारी सरकार आएगी और लोगों का इतना प्यार जरूर लोगों का वोट में बदलेगा। आपका गठबंधन का सूबे का मुख्यमंत्री जेल में है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यही है कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो भाई साहब मेरा कला ही